हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आज शाम आपके लिए, और वो आज शाम आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके व्यूअर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए है। चलिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं। यहाँ जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है कंट्रोल, नेक्स्ट आया है एग्जिस्टेंस, नेक्स्ट टू कार्ड्स एक साथ आ गए हैं पेशेंस एंड सेलिब्रेशन, नेक्स्ट आया है फाइटिंग, नेक्स्ट कार्ड है कंडीशनिंग एंड द फूल। एक कार्ड और निकालेंगे, हमारा लास्ट कार्ड है आइसोलेशन। ओके व्यूअर्स, आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो वो एक्शन लेने से घबराते थे और आपको ये चीज़ उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करते थे, कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। ये चीज़ भी आपको इनकी अच्छी नहीं लगती थी। आप चाहते थे कि खुल के अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करें और अपने जज्बात जो भी हैं आपके सामने खुल कर जाहिर करें। आपको ये चीज़ इनकी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखें और आपको बताएं ही नहीं कि इनके दिल में चल क्या रहा है, क्योंकि जब कोई इंसान अपनी फीलिंग्स को बताएगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि उसके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। और इसलिए आप चाहते थे कि आपका पर्सन आपसे सारी बातें शेयर करे, आप दोनों के बीच कुछ भी छुपी हुई हिडन चीज़ें ना रहें, चाहे वो जज्बात हों या फिर कोई और रिलेशनशिप हो या फिर उनकी फैमिली की बात हो, जो कुछ भी हो वो आपके सामने करें, उन सारी ही बातों को डिस्कस करें आपसे। अगर कोई प्रॉब्लम भी है उनकी लाइफ में तो आप दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने का सोचते थे, बट आपके पर्सन आपसे छुपाने की कोशिश करते थे। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि आप अपने पर्सन के साथ फैमिली बनाना चाहते थे, उनसे शादी करना चाहते थे और अपने जो पास्ट की मेमोरीज थी उन्हें भुलाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि आपका भी पास्ट अच्छा नहीं रहा और आपके पर्सन का भी पास्ट कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था। और इस वजह से आपने अपने पर्सन का दुख बांटने की कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये बात जानते थे कि दुख बांटने से कम होता है, बट आपके पर्सन ने इसका उलट ही किया, यानी कि अपोजिट ही चलते चले गए वो आपके साथ। आप अगर उनसे कुछ कहते थे तो वो आपकी बात मानते नहीं थे, ज़्यादातर बातों को टालने की कोशिश करते थे। इस वजह से आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी स्टार्ट हो गई और आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मूव ऑन कर चुके हैं और आप दोनों इस वक्त सेपरेट हैं। एक दूसरे से आपकी बहुत कम बात होती है या फिर बिल्कुल होती ही नहीं है, और आपके पर्सन इस वक्त अपनी ही प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश आज भी इनकी जारी है, पर कहीं ना कहीं इनके अंदर जो स्ट्रेंथ पहले नहीं थी, ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लाते जा रहे हैं। यानी कि इनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी जिसको शायद ये निभाने की कोशिश कर रहे थे, और अब उस जिम्मेदारी से ये फ्री हो गए हैं और अब ये आपके बारे में सोचने लग गए हैं। और आज शाम ये अपने किसी फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहे थे और आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिस्टेंस है, उसको शेयर कर रहे थे और उनसे बोल रहे थे कि इन्होंने पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं और वो बचपने में आकर की हैं। इनके दिमाग में कहीं ना कहीं बचपना है, ये चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ सोच ही नहीं पाते हैं और ना ही कर पाते हैं। इनके एक्शन में भी बचपना ही रहता था और अपने पास्ट में बचपने में की गई उन सारी ही चीज़ों को, उन सारी ही बातों को अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि एकांत में जब कभी भी ये होते हैं इन्हें आपकी याद आती है और ये बहुत रोते हैं। यहाँ आइसोलेशन का कार्ड आया है और द फूल का कार्ड भी आया है। इन्हें अब रियलाइज़ होता है कि इन्होंने बहुत कुछ ऐसा कर दिया है आपके साथ जो शायद माफ़ी के लायक नहीं है, और उन सारी ही चीज़ों का रिग्रेट इनको अब होता है और ये आंसू बहाते हैं और रात को सो भी नहीं पाते हैं, इनको ठीक से नींद नहीं आती है। जब कभी भी इन्हें आपकी याद सताती है तो ये बहुत रोते हैं और उस अपने अंदर के गिल्ड को, उस दर्द को ये किसी से बयां भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गलती इनकी खुद की है। ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, इन चीज़ों को सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ ये गलत है, और उन गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस सेपरेशन का जिम्मेदारी ये खुद को मानते हैं।
कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ भी याद आती है कि जब ये आपके साथ होते थे तो कितना खुश रहते थे। आप दोनों ने काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट हैं जो एक साथ सेलिब्रेट किए हैं, बहुत सारी पार्टीज़ अटेंड की होंगी, या फिर आप दोनों ने एक साथ बहुत सारा वक्त गुजारा है साथ में। उन पलों को जब ये याद करते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और इनके इमोशंस पे इनका कंट्रोल नहीं रहता। और ये इस वक्त भी बहुत इमोशनल हो रहे थे, यानी आज शाम ये अपने फ्रेंड से जब बातें कर रहे थे तो शायद ये उनके कंधे पे सर रख कर रो दिए होंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही इमोशनल भी हैं। इन्हें इनकी गलतियों का रियलाइजेशन होता है, ऐसा नहीं है कि ये गलती करके उस गलती को भूल जाते हैं, बट इस पर्सन को खुद की गलतियाँ रियलाइज़ होती हैं और ये तब बहुत पछताते भी हैं। और इनके साथ एक कंडीशन चलती रहती है कि ये जो कुछ भी अपने दिल में दिमाग में सोचते हैं उसका मतलब ठीक से उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसका उलट ही कर जाते हैं, यानी कि गलतियाँ इनसे बार बार हो जाती हैं। जाने अनजाने ये बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जो ये करना भी नहीं चाहते हैं, और इन्हीं गलतियों की वजह से इन्होंने आपके और इनके रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, या फिर अगर आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हैं तो आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही डीप रहा है, एक दूसरे के साथ आपने बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। ओके व्यूअर्स, तो आज शाम भी आपके पर्सन ये सारी बातें अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे थे और बहुत रो रहे थे। इस पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है और ये पछताने के सिवा कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और कितना रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय।